उचाना से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री के समर्थन के लिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम सैनी ने बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री के लिए वोटों की अपील भी की है। पांच तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उचाना विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री के समर्थन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम सैनी ने लोगों से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री के लिए वोट की अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं तो सिर्फ यहाँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया, और आप जो आशीर्वाद मुझे देंगे वो आशीर्वाद कमल के फूल में है। यहाँ के कमल का बटन दबाइए और उसकी ताकत चंडीगढ़ में जाएगी, और उस कमल के फूल की ताकत दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि तीन गुना ज्यादा ताकत से उचाना का विकास करेंगे। लोग तो सिर्फ राजनीति के लिए वोट लेते हैं। मैं आपका बच्चा, गरीब का बेटा आज देवेंद्र अत्री को लेकर आया हूं, और ये गरीब परिवार का आपका बेटा दिखाएगा आपके विकास कैसे होता है। डट करके विकास करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो सिर्फ आपके बीच में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं स्वयं भी आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। देंगे ना? और जो आशीर्वाद आप मुझे देंगे वो आशीर्वाद कमल के फूल में है। यहां से कमल का बटन दबाइए और उसकी ताकत चंडीगढ़ में जाएगी, और उस कमल के फूल की ताकत दिल्ली में नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। वहीं उचाना विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने लोगों से वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि उचाना के सपनों को साकार करना चाहते हो तो जिस परिवार ने 50 साल तक हमारा पोषण किया उसको वोट की चोट के साथ सबक सिखाएं, और अपने बेटे और अब भाई को आशीर्वाद दे। मैं उचाना के अपने परिवार को वादा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आधी रात को भी अगर आप कहोगे तो आपके साथ नंगे पैर चलूंगा, ये मेरा वादा है। सीएम नायब सैनी और आप सब ने जो मुझे आशीर्वाद दिया यहाँ आए उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। उचाना के सपने को साकार करना चाहते हो तो इस परिवार को, जिस परिवार ने 50 साल तक हमारा शोषण किया है, उसको वोट की चोट के साथ सबक सिखाए और अपने बेटे अपने भाई को अपना आशीर्वाद दे। मैं उचाना के अपने परिवार को वादा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, आधी रात भी आप कहोगे आपके साथ नंगे पैर चलूंगा, मेरा वादा है। बिरहाल प्रचार का दौर आज शाम थम जाएगा। अब देखना होगा कि 5 तारीख को उचाना की जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करती है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।